وعلى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معاشر اسلامی خواتین اللہ تبارک تعالی نے جیسے دنیا میں مختلف قسم کی چیزوں کو پیدا کیا اور بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی اور بعض چیزیں بعض چیزوں سے فوقیت رکھتی ہیں مرتبے میں اونچا مقام رکھتی ہیں ایسے ہی اللہ تبارک تعالی نے بے شمار قوموں کو پیدا کیا بے شمار امتوں کو پیدا فرمایا ان تمام قوموں میں اور ان تمام امتوں میں اللہ تبارک تعالی نے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا اور تمام امتوں کی سردار یہ امت کو بنایا اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فضیلتیں وہ خوبیاں رحمت فرمائی جو آج سے پہلے اللہ نے کسی امت کو اور کسی قوم کو اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام نصیب نہیں فرمایا اس امت کی خوبیاں پچھلے نبیوں کو معلوم ہوئی اور بعض پچھلے پیغمبروں کو معلوم ہوئی ان میں سے کئی نبیوں نے پیغمبروں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ ہماری نبوت اور ہماری رسالت کو لے لیجئے اور اس کے بدلے میں آخری امت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس امت میں ہمیں بھیج دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کی درخواست کو قبول نہ کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس امت کا مرتبہ
इस उम्मत का मकाम क्या है, आज इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना मर्दों को पता ना औरतों को पता, बस जैसे जानवर पैदा होते हैं इंसान पैदा होने लगे हैं, अपना मकाम क्या है, अपना मनसब क्या है, अपना मर्तबा क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। सारी दुनिया कमाने के पीछे लगी है, घरों की तामीर के पीछे लगी है, रुपया पैसा गल्ला अनाज जेवरात के पीछे लगी है, बकरियों के रेवड़ की तरह, जानवरों के मंदे की तरह, ये उम्मत के अपराध भी उसी के पीछे लग गए हैं। मेरी माए और बहने, आज पूरे आलम में, पूरी दुनिया में ये उम्मत बड़ी कसमा कुर्सी की जिंदगी गुजार रही है। हमारे बड़ों ने अपनी पिछली सारी जिंदगी में ऐसा नाजुक दौर नहीं देखा होगा, और वो अपने आप को खुशनसीब समझते होंगे। खुदा जाने हालात अब कितने खतरनाक आएंगे, अल्लाह का शुक्र है कि हम अमन की जिंदगी गुजार लिए, सुकून की जिंदगी गुजार लिए। अब हमारे बुढ़ापे के अय्याम हैं, अब कुछ दिन उम्मत का नाजुक दौर देख लेंगे और इस दुनिया से हम चले जाएंगे अल्लाह के दरबार में। वो शुक्र करते होंगे अल्लाह के दरबार में, सजदे तशक्कुर बजा लाते होंगे कि अल्लाह ने हमें ऐसे फितनों के दौर से और ऐसे डर कर मर कर मगलूबाना जिंदगी गुजारने के दौर से अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई। उनको इस दुनिया के छोड़ने पर कोई अफसोस नहीं होगा, उनको अपने अकरीबा आबा अजदाद खानदान और रिश्तेदार के छोड़ने पर कोई अफसोस नहीं होगा। वो यही सोचेंगे आज नहीं कल उनसे आलम बरज़ख में मुलाकात हो जाएगी, इस दुनिया में कोई सदा रहने नहीं आया, हमेशा रहने के लिए नहीं आया, आज मेरा नंबर है तो कल उनका नंबर है, मुलाकात तो आलम बरज़ख में हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कितने की दुनिया से और उम्मत जिस नाजुक दौर से गुजर रही है और जिस इंतहाम के हालतों से गुजर रही है, अल्लाह ने हमें वो दौर नहीं दिखाया। गरीबी दिखाई, बगैर बिजली का जमाना दिखाया, तंगदस्ती का जमाना दिखाया, अंग्रेजों की गुलामी का जमाना दिखाया और सादगी जाहिरी दुनिया की चमक दमक के बगैर का जमाना। वो यही कहते होंगे कि करोड़ दर्जे वो जमाना बेहतर था जब मखमल के पर्दों की जगह टाट लगा करते थे, कालीन बिछने की जगह लाल मिट्टी पोती जाती थी, रंग बरंग के कुमकुमे जलने की जगह दिए और चराग जला करते थे, मस्जिदें पुरशिकवा इमारत की जगह कच्ची इमारतों में थी और नमाजी पक्के थे, शादी में, शादी ब्याह में
سادگی کو اپنایا جاتا تھا لوگوں میں انسانیت تھی اخلاق تھے کردار تھا کسی کی آبرو لٹنے کا ڈر نہیں تھا کسی کے مال چوری ہونے کا خوف نہیں تھا پڑوسی پڑوسی سے بے خطر تھا بے خوف تھا وہ مہینوں باہر سفر میں جاتا اپنے پڑوسی کسی مرد کے عشق کے جال میں اپنی بیوی اور بیٹی کے پھنسنے کا اندیشہ نہیں تھا گھر گھر کے اندر گانا بجانے کا اڈا نہیں تھا لوگوں میں علم کی کمی ضرور تھی جہالت تھی لیکن اللہ کا خوف تھا اللہ کا ڈر تھا حساب کتاب نہ جان کر عالم آخرت کے حساب پر یقین رکھتے تھے وہ لوگ سوچتے ہوں گے اس ترقی کے زمانے کو کروڑوں روپے کے بدلے بیچ کر اگر وہ جاہلیت کے کچھ دن مل جاتے ہیں اگر وہ معصومیت کے کچھ دن مل جاتے ہیں تو پھر وہ دن خریدنے کو جی چاہتا ہوگا آج امت اتنے نازک دور سے گزر رہی ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کا ایک کتا بھی زخمی ہوتا ہے امت کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کی آبادیوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے ان کے شہروں کو گورستان میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ان کی مملکتوں پر یہودی اور عیسائی پرچم لہرانے لگتا ہے ان کی مسجدوں کو اکھاڑ پھینک دیا جائے ان کے قبرستانوں پر پولیس اسٹیشن تعمیر کر دیا جائے ان کے مدارس اور مساجد کی اذانوں پر پابندی کی بات کی جائے اور یہ آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا آج میری مائیں اور بہنیں یہ امت کی صورتحال ہے ایسی بات نہیں کہ امت کے پاس آج مال نہیں آج مسلمانوں کے پاس جتنا مال ہے شاید دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا مال ہوگا ایسی بات نہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں نہیں دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی ممالک 52 ممالک 50 پر 2 مسلمانوں کے ہیں زمین سے ابلنے والے تیل کے چشموں کے مالک مسلمان ہیں زمین کے سینے کو چیر کر سونا نکالنے والے چاندی نکالنے والے دھات نکالنے والے مسلمان ہیں مسلمانوں کی کالجیں ہیں مسلمانوں کی یونیورسٹیاں ہیں مسلمانوں کے بڑے بڑے کارخانے ہیں جس میں اربوں خربوں روپیہ ماہانہ آتا ہے اور جاتا ہے مسلمانوں کی تعداد بھی کروڑوں میں اربوں میں ہے میری مائیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا لیکن سب کچھ رکھنے کے باوجود اتنی بے بس امت اتنی مجبور امت اور اتنی بے سہارا امت اور اتنی مظلوم امت ایسے حالات ہمارے بڑوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر آج تک نہیں دیکھے ہوں گے مکے میں جب اسلام آیا یقیناً غریبی تھی غربت تھی فقر و فاقہ تھا راستوں کے اندر کانٹے ڈالے جاتے تھے شیب ابی طالب میں بند کر دیا جاتا تھا سب کچھ تھا لیکن بے بسی مجبوری نہ تھی غیروں کے سامنے عاجز ہونے کا مسئلہ نہیں تھا ستاتے تھے ظلم کو برداشت کرتے تھے بھوکا رکھتے تھے پتے کھا لیتے تھے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے
कफन में लपेट कर आंखों से आंसू बहाकर दफन कर देते थे, शेबे भी तालिब में कैद कर देते, चमड़ों को भिगो कर खा लेते। लेकिन इन काफिरों के सामने, इन मुशरिकों के सामने पल भर के लिए मुसलमान कभी आजीज न हुए, कभी उनके सामने मुसालहत की कोशिश नहीं की। वो अड़े रहे अपनी तौहीद पर, वो डटे रहे, वो इस्तहामत का पहाड़ बने रहे, अल्लाह ताला की तौहीद का आलम बुलंद करते रहे, बुलंद करते रहे। हजरत अब्बास इब्ने अर्थ रजी अल्लाह ताला की पीठ पर वो जख्म के निशानात थे कि हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला जैसे जलील कदर बहादुर सहाबी देखकर आंखों से आंसू के कतरे निकल पड़े। लेकिन खब्बाब लोहे की सलाखों को गर्म कर सुर्ख कर उनकी पीठ पर दावा जाता था और उनकी पीठ से निकलने वाला लहू और मवाद उन सलाखों को ठंडा कर देता था। ये तो होता था कि खब्बाब तड़पते थे, बिलकते थे, लेकिन खब्बाब इब्ने अर्थ किसी काफिर के पैर पड़े हों, किसी काफिर के आगे हाथ जोड़े हों, किसी काफिर से मन्नत समाजत करे हों, सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बात जरूर थी हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गरम गरम रेत पर लिटाया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, गरम गरम चट्टान सीने पर रखी जाती थी, तड़पते थे बिलाल, बिलकते थे बिलाल। लेकिन किसी काफिर के सामने, अपने मालिक उमैया इब्ने खल्फ के सामने आपने कभी अपनी आजिज़ी का इजहार किया हो, कभी उनके पैर पड़े हो, कभी उनसे माफी मांगी हो, ये दौर कभी ना बिलाल पर आया, ना सुमैया पर आया, ना हजरत जनीरा पर आया। अरे मर्द तो मर्द, हजरत जनीरा रजी अल्लाह ताला ना अबू जहल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तीर को चुभोता है और कहता है तुम अपने आबा और अजदाद के दीन से बाज आ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बाज आ जाओ। लेकिन ये तो मिलता है कि हजरत जनीरा रजी अल्लाह ताला ना तड़पती हैं, बिलकती हैं, मचलती हैं, लेकिन कभी अबू जहल के सामने आजिजी की हो, इंकिसारी की हो और अबू जहल के पैर पड़े हो, इसका सबूत तारीख में नहीं मिलता। वक्त पड़ने पर मक्के को छोड़ना पड़ा तो मक्के को छोड़ दिया, वहां के कारोबार को तर्क करना पड़ा तो कारोबार को तर्क कर दिया, वहां के मकानों को खाली करना पड़ा तो खाली कर दिया, वहां के कारोबार को गैरों के हवाले करना पड़ा तो गैरों के हवाले कर दिया और पूरी तरीके से मक्का शहर को अलविदा कहना पड़ा तो उससे कहने भी बात नहीं आए, अलविदा कहकर मदीने मुनव्वरा चले गए। लेकिन किसी काफिर के सामने जाकर हाथ जोड़ा हो, मन्नत की हो, समाजत की हो, आजिजी की हो, इंतजारी की हो, ना मक्की दौर में यह बात मिलती है, ना मदीने के दौर में यह बात मिलती है। मुसलमान सर उठाकर शान के साथ जिंदगी गुजारता आया है, मुसलमान मार तो खाया है, पिटा है, मुल्कों को छोड़ा है, कारोबार को छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, औलाद को कत्ल होता हुआ, टुकड़े होता हुआ देखा है, अपने आबा और अजदाद को सूली पर लटकता हुआ देखा है, लेकिन किसी काफिर की कभी मन्नत की हो, समाजत की हो, ना मक्के की तारीख में बात मिलती है, ना मदीने की तारीख में बात मिलती है। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब पाक आका दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर में तशरीफ ले जा रहे थे,
एक जगह एक दरख्त आया, दरख्त के साए में आपने पड़ाव किया कुछ देर सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए आप वहां पड़ गए। उस वक्त तरीका कार ये था कि आराम अगर कोई करता तो अपनी तलवार को दरख्त पर लटका कर सो जाता, एक आदमी पहरा देता, बकिया तमाम लोग सोते। एक काफिर गुजर रहा था, उसने देखा अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं और आपकी तलवार दरख्त से लटक रही है, किसी तरह मौका पाकर वो आकर आपकी तलवार को उठा लेता है। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहत्ते हैं और काफिर हथियार से लैस है और कोई आपका साथी नहीं, कोई आपका मददगार नहीं। दुनिया में तलवार की नोक से आका को जगाता है और जगाने के बाद पूछता है, ऐ आका मैं काफिर हूं, मैं मुशरिक हूं, और तुम नबूवत और रिसालत का दावा करते हो, मेरे हाथ में नंगी तलवार है, एक जरा सी हरकत से अलियाज़ु बिल्ला मैं तुम्हारा कत्ल कर सकता हूं, तुम्हारा सर तन से जुदा कर सकता हूं। मैं याफिमों का मिन्नी, तलवार को सर पर रखते हुए गर्दन पर रखते हुए पूछता है, कौन तुम्हें बचाएगा मुझसे? मेरी माए और बहनें जरा सिचुएशन देखें, वह हालत देखें, दुश्मन तलवार लिए खड़ा है, कोई यार नहीं, कोई मददगार नहीं। अगर हिकमत अमली को अपनाते हुए उससे माफी मांग ली जाए या उसके सामने वक्ती तौर पर आजीज हो जाए तो कोई मसला नहीं था, शरीयत इजाजत देती है। लेकिन मेरी माए और बहनें, अल्लाह के हबीब पाक आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। यह वक्त काफिर के सामने आजीज होने का था, काफिर पूरे हथियार से लैस था, काफिर पूरा दबदबा रखता था, कुव्वत रखता था, ताकत रखता था, और काफिर के कंट्रोल में एक नबी जा चुके थे। अगर वक्ती तौर पर मुसालहत कर लेते, अग्रीमेंट कर लेते या कुछ रुपया देकर पैसा देकर उसको मना लेते तो कुछ बुरा भी नहीं था। लेकिन मेरी माए और बहनें, इस्लाम जो जिंदगी बताता है वो शान की जिंदगी बताता है, वो इज्जत की जिंदगी बताता है, वो गैरों के सामने गिड़गिड़ाने वाली जिंदगी, गैरों के सामने आजिजी और इंतजारी की जाने वाली जिंदगी इस्लाम पतन पसंद नहीं करता। इसलिए अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। अगर सच्चे दिल से अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत आने लगती है। मेरी माए और बहनें, सामने वाले दुश्मन में चाहे कितनी ताकत हो, चाहे कितनी कुव्वत हो, गोला हो, बारूद हो, हथियार हो, हमारा यकीन अगर अल्लाह की जात पर है, हमारा तवक्कुल है अल्लाह की जात पर, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, वो मदद जो बदर में उतरी, उहद में उतरी, तबूक में उतरी, हुनैन में उतरी, मेरी माए और बहनें, वो मदद आज भी आ सकती है, लेकिन उस मदद को लेने का तरीका हम भूल चुके हैं, अजबाब की दुनिया में खो चुके हैं, दुनिया के पुजारी बन चुके हैं, दुनिया की अशिया की मोहब्बत हमने अपने दिल में बिठा रखी है, हजारों अपराध को बेसरो सामान इस दुनिया से कफन की चिंदी में लिपट कर जनाजे में सवार होकर कब्र के गड्ढे में जाते हुए देखते हैं,
और हमारे दिल में पल भर के लिए ख्याल नहीं आता कि कभी हम भी घर से बेदखल कर दिया जाएगा, हमारे जेवरात को उतार दिया जाएगा, हमारे माल से बेदखल कर दिया जाएगा और अपने ही लोग अपने हाथों से हमारे ऊपर मिट्टी डाल कर आ जाएंगे। कभी हम ये तसव्वुर करने के लिए तैयार नहीं। हम ये समझते हैं जो होगा कल होगा, आज एक शान की जिंदगी गुजार लें, एक नामो नमूद की जिंदगी गुजार लें, एक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार लें। आज जवानी है, आज बुढ़ापा नहीं है, आज अपने अरमानों को निकाल लें, कल किसने देखा। ये कह कहकर हमारी जवानियां, हमारे बुढ़ापे, हमारे जिंदगी के लम्हात मेरी माएं और बहनें बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह पर तवक्कुल हो, अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह की मदद जैसे सहाबा के दौर में आने के लिए बेताब थी, आज भी वो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर यकीन था, और आपका यकीन ना हो तो और किसका यकीन होगा। आपका तवक्कुल ना हो और किसका तवक्कुल होगा। आपको जिस दर्जे यकीन था, कायनात के तमाम मुसलमानों का यकीन तराजू के एक पल्ले पर, आपका यकीन एक पल्ले में, यकीनन आपका यकीन भारी पड़ जाएगा। किस यकीन के साथ आपने जुमला फरमाया होगा, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। ये जुमला सुनते ही काफिर थरथराने लगा और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। यानी एक वो जंग जो मुकम्मल काफिरों के कब्जे में थी, काफिर उस जंग को जीत सकता था, मुसलमान उस जंग में हार सकता था। ऐन उस वक्त में मुसलमान ने अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह की मदद को बुलाया, अल्लाह की नुसरत को बुलाया, अल्लाह के रहम और करम को दावत दी। मेरी माए और बहने, आप अंदाजा लगाए, दो मर्द हैं, एक मर्द के हाथ में तलवार है, तीर है और बिजली है, करंट है और ईंट पत्थर है, और एक मर्द उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके पैर बंधे हुए हैं। इन दोनों में कौन जीत सकता है? जाहिर सी बात है, जिसके पास तलवार, जिसके पास बंदूक, जिसके पास बिजली के झटके और पत्थर। लेकिन मेरी माए और बहने, ऐसे नाजुक मौके पर भी अगर सामने वाला अल्लाह की मदद को बुलाता है, अल्लाह की नुसरत को बुलाता है, मुमकिन और नामुमकिन वो हमारे लिए है, अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अय यकूला लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला जब किसी चीज को कहते हो जा तो वो चीज हो जाती है। पानी से आग को पैदा करना ये हमारे लिए नामुमकिन है। अल्लाह चाहेंगे कयामत के करीब समंदर में आग लगा देंगे। चांद और सूरज बेनूर होना ये हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह चाहेंगे इधर शम्स कुविरत व इधर नुजूम कदरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा और सितारे बेनूर हो जाएंगे, इधर समाउन फतरत और जब चांद को लपेट दिया जाएगा और चांद बेनूर हो जाएगा और आसमान को लपेट दिया जाएगा, ये सब हमारे लिए नामुमकिन है कि एक पहाड़ रूई के गाल की तरह हवा में उड़े, ये हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए मुमकिन है और अल्लाह करके बताएंगे। लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन, अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा हो जैसा हजरत सहाबा इकराम और आका का यकीन था। आका ने फरमाया, तुम कहते हो कौन बचाएगा मुझसे? अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिल के गहराई के यकीन के साथ फरमाया, अल्लाहु यासिमनी मिनका, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा तुझसे। ये लफ्ज अल्लाह सुनना था, उस पर कपकपी तारी हो गई और तलवार नीचे गिर गई। उसके बाद आका ने उस तलवार को उठा लिया। उठा लेने के बाद फरमाया, हां हां बड़ा अकड़ रहा था, अब बता तुझे कौन बचाएगा मुझसे। और काफिर था, उसका यकीन अल्लाह की जात पर नहीं था, अल्लाह की जात पर तवक्कुल नहीं था,
उसने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बचाएंगे? तो आपने फरमाया ना मैं बचाऊंगा, अल्लाह बचाने वाला। ये कहकर आपने फरमाया चल मैं तुझे माफ कर देता हूं, मैं चाहूं तो तेरे सर को कलम कर दूं, तेरे सर को तन से जुदा कर दूं, कतल करके टुकड़े टुकड़े कर दूं। मेरा हक भी है, मेरा इख्तियार भी है, और मेरे कब्जे कुदरत में भी है तू, और जायज भी है मुझे ऐसा करना कि मैं एक दुश्मन जो मेरा खातिमा करने के लिए आया था मैं उसे कत्ल कर दूं, लेकिन मैं तुझे कत्ल नहीं करता, मैं तुझे माफी का परवाना देता हूं। इतना कहना था वो कदमों पर पड़ गया और कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस वाकई में देखे अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरीके से काफिर के कब्जे में चले गए थे, लेकिन काफिर के सामने आजिज नहीं हुए, काफिर की मन्नत समाजत नहीं की। उस वक्त भी शान के साथ यही कहते रहे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। मेरी माए और बहने अल्लाह की जात पर यकीन हो, अल्लाह की जात पर तवक्कुल हो, अल्लाह की मदद ना कल बदली थी ना आज बदली है, ना कियामत तक बदलेगी, ना अल्लाह का वादा बदलेगा, ना अल्लाह का कुरान बदलेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम। अल्लाह ने कहा अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की मदद का मतलब अल्लाह के दीन की मदद करोगे, मुसलमानों की मदद करोगे, इस्लाम की मदद करोगे, दावत और तबलीग का काम करोगे, कुरान की मदद करोगे, यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम। अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमाएगा। मेरी माए और बहने आज उम्मत पूरी की पूरी परेशान है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। कोई बम धमाका होता है मुसलमान मुलव्वस नहीं, लेकिन मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही, मुसलमानों को सताया जा रहा है। और मेरी माए और बहने लबनान के अंदर क्या हो रहा है, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, ये इसराइल मुट्ठी भर लोग मुसलमानों को क्यों सता रहे हैं, मुसलमानों के कबीलों को क्यों उजाड़ रहे हैं, उनकी आबादियों को तहस नहस कर रहे हैं। मेरी माए और बहने सही बात तो यह है अल्लाह से हमने मदद मांगना छोड़ दिया है, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना छोड़ दिया है। वरना मेरी माए और बहने इससे सख्त हालात आए, लेकिन कभी मुसलमान किसी यहूदी के सामने और किसी काफिर के सामने और किसी मुशरिक हुकूमत के सामने इतना आजीज नहीं हुआ जितना कि आज मुसलमान आजीज है। वजह यह है अल्लाह की जात से यकीन उठ चुका है, अल्लाह की जात से भरोसा उठ चुका है, अब चीजों पर ईमान है, अब चीजों पर यकीन है, अब रुपये पर ईमान है, अब दौलत पर यकीन है, अब बंगलों पर ईमान है, अब कोठियों पर यकीन है। दिलों का यकीन जो कलिमे तैयबा पर था, दिलों का यकीन जो अल्लाह के कुरान पर था, दिलों का यकीन जो नबी और आखिरत की बातों पर था। मेरी माए और बहने आज कहने और सुनने के लिए रह गई हैं चीजें, और हकीकत में ये हमारी चीजें हमारी जिंदगी से काफी दूर हो चुकी हैं। अल्लाह की मदद कैसे आती है? हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला जब ईमान ले आए, कबीले के लोगों ने हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला को घेर लिया, कहने लगे अरे खालिद अपने आबा और अजदाद के दीन को यूं ही छोड़ दिया। खालिद इब्ने वलीद ने कहा यूं ही नहीं छोड़ा, बातिल मजहब होने की वजह से छोड़ा, और आका के दीन को बहुत सोच समझ कर कबूल किया है आका के तरीके को। कौम के लोग कहने लगे अच्छा तुम्हें यकीन है आका का तरीका सच्चा है और तुम्हारे बाप दादा का दीन झूठा है? हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया मुझे दिन के उजाले से ज्यादा, सूरज की रोशनी से ज्यादा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत पर यकीन है। कौम के लोगों ने कहा एक अग्नि परीक्षा है, एक इम्तहान है, उस इम्तहान से तुमको गुजरना पड़ेगा, हम मानेंगे तब कि तुमने जो मजहब को इख्तियार किया वो मजहब सच्चा है और जिस मजहब को छोड़ा है वो मजहब झूठा है। हजरत खालिद ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ठीक है इम्तहान ले लो। तो लोगों ने
एक ऐसा जहर लाकर दिया, इतना खतरनाक जहर की बोतल, उस जहर के कुछ कतरे अगर मक्के और मदीने के लोगों को पिला दिए जाएं पानी में मिलाकर, तो सारा शहर मर जाएगा। कुछ कतरे पानी के टैंक में डाल दिए जाएं, वो पानी मक्के और मदीने के लोग पिए तो सारे मक्के और मदीने के लोग मर जाएं। ऐसी बोतल खतरनाक जहर की हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने को दिया, फरमाया ऐ खालिद आप इसको पीकर बताएं, अगर पीकर आप बच जाते हैं तो मानेंगे कि आप जो दीन कबूल किया वो दीन सच्चा है और जो दीन आपने छोड़ा वो दीन झूठा दीन है। मेरी माए और बहने, अल्लाह का एक कानून है दुनिया में, मच्छर मुसलमान को भी काटता है काफिर को भी काटता है, पत्थर लगे ढेला लगे मुसलमान भी जख्मी होता है काफिर भी जख्मी होता है, भूख दोनों को लगती है नींद दोनों को आती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं कि मुसलमान जहर पिए असर ना करे, जहर दोनों को असर करता है मुसलमान को भी काफिर को भी, लेकिन यह वक्त इम्तहान का आजमाइश का। हजरत खालिद ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ अल्लाह अगर 100 खालिद मर जाए, 100 खालिद को तू पैदा कर सकता है, ऐ अल्लाह इस्लाम की लाज अगर चली जाए और मुसलमानों की इज्जत चली जाए तो फिर आका के दीन के लिए मसाइल खड़े होंगे, इसलिए अल्लाह आज खालिद को बचाना इसलिए नहीं कि खालिद को बचाना है, इस्लाम की लाज रखना मुसलमानों की लाज रखना। यह कहकर हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने जहर के प्याले को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और घटाघट घटाघट पी लिया। अब सामने वाले देखने लगे कि अब गिरेंगे खालिद तब गिरेंगे, जनाजा तैयार करो कब्र तैयार करो, लेकिन हजरत खालिद ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने पूरी जहर की बोतल को पी लेते हैं और आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता। मेरी माए और बहनें, वो कौन सी जात थी, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी हजरत खालिद ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने को बचाने वाली उस जहर को, अल्लाह की ताकत थी अल्लाह की कुव्वत थी अल्लाह की मदद थी अल्लाह की नुसरत थी। आज उम्मत काफिरों के चंगुल में अगर फंस गई है, काफिरों ने जहर का प्याला रख दिया है, आज उम्मत के सामने आका के सामने जैसे दरख्त से तलवार निकाल कर कोई काफिर खड़ा है, ऐसे अगर अमरीका यहूदी या इसराइल खड़ा है, उस वक्त आका को मदद आई खालिद ने वलीद को मदद आई तो आज वो मदद आ सकती है मेरी माए और बहनें, लेकिन हमने अल्लाह की मदद लेने का हौसला चाहिए, अल्लाह की नुसरत लेने का तरीका चाहिए। वो क्या तरीका है जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज हम इस दीन के दाई बन जाएं, इस दीन के खादिम बन जाएं, इस दीन की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, इस दीन को आम करने के लिए अपनी मेहनतें लगा दें अपनी जिंदगियां लगा दें, तब अल्लाह की मदद आएगी। हम दुनिया के पीछे पड़े और हयाल सला हयाल फला पर दो कव्वे के ठोंक मारकर रमजान में कुछ वक्तों का फाका रखकर हम ये समझ लें कि हमने दीन का अदा कर दिया, हमने इस्लाम पर एहसान कर दिया, हमने मस्जिदों पर एहसान कर दिया। यूं दीन का काम नहीं होता, दीन का काम कुर्बानियों से होता है, दीन का काम जिंदगियां लगाने से होता है, दीन का काम दीन के लिए बरमिटने के लिए होता है। और जब ये जज्बा होगा दुनिया की कोई कौम हमें काटना हमें बर्बाद करना तो दूर की बात, हमारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकती। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह तबारक ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लम की खताओं को दरगुजर फरमाए, अल्लाह जालिम को तबाह करे बर्बाद करे, अल्लाह नेस्त नाबूद करे, अल्लाह वो मासूम बच्चे जो लबनान में बेरूत के अंदर तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर मर रहे हैं
اے اللہ ان کی آہوں کو تو لے کر اسرائیل کو تباہ کر دے, برباد کر دے, یہودی عیسائی ساجدوں کو نیست و نابود کر دے, کافرانہ طاقت کو موم بنا دے, اور اے اللہ مسلمانوں کی کوئی ہی قوت اور کوئی ہی عزت کو واپس لے آ, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, ہمیں دین کا داعی بنا, ہمیں دین کا مبلغ بنا, ہمیں دین کے لیے مرنے مٹنے کی توفیق نصیب فرما, آمین واخدان الحمدللہ رب العالمین. کریم اللہ اقبال سراج النساء زیب النساء زینت مصطفیٰ فاضل سمیہ صالحہ شعیب سہیل رحمت النساء مہر النساء ایوم ناہی کلیم اللہ واجد خان حسینہ اکبر. اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و شفا نصیب فرمائے. عبد الواجد اویس اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دماغی حالت کو درست فرمائے. فاضل مصطفیٰ جابر ناصر رحمۃ اللہ اللہ روزی میں خیر و برکت نصیب فرمائے. شیخ احمد محمد حسین اللہ خورشید.